न्यायियों की पुस्तक अध्याय 12। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 12। तब एप्रेमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर इप्तह से कहने लगे कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया, हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। इप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? तब इप्तह गिलात के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रेम से लड़ा और एप्रेम जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो एप्रेम और मनुष्य के बीच रहने वाले एप्रेमियों के भगोड़ हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया और गिलादियों ने यर्दन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रेमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रेमी है? और यदि वह कहता नहीं तो वे उससे कहते, अच्छा शिब्बोलेत कह, और वह कहता सिब्बोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक बोला नहीं जाता था। तब वे उसको पकड़कर यर्दन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रेमी मारे गए। इप्तह 6 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब इप्तह गिलादी मर गया और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेथलहेम का निवासी इबसान इस्राएल का न्याय करने लगा और उसके 30 बेटे हुए और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर ब्याह दी थी और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके 30 बहू ले आया और वह इस्राएल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबसान मर गया और उसको बेथलहेम में मिट्टी दी गई। इसके बाद जुबलूनी एलोन इस्राएल का न्याय करने लगा और वह इस्राएल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जुबलूनी मर गया और उसको जुबलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद हिलेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन इस्राएल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए जो गधियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब हिलेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया और उसको एप्रेम के देश के पिरातोन में जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई।